धामी सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट को खाली लिफाफा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है, लेकिन हकीकत में देखें तो इसमें विकास और जनकल्याण के लिए पैसा नहीं बचा है, क्योंकि एक हिस्सा कर्ज के भुगतान में जाएगा तो दूसरा हिस्सा कर्मचारियों का वेतन और भत्ता के भुगतान में चला जाएगा। वित्त मंत्री ने युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए बजट लाने का कहा, लेकिन चारों में से किसी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट एक खाली लिफाफा को बहुत फुला दिया गया है। 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बताया जा रहा है, और हकीकत में देखिए तो इसमें विकास के लिए तो पैसा ही नहीं, जन कल्याण के लिए तो पैसा ही नहीं बचा है। इसमें करीब 26-27 हजार करोड़ रुपया जो है, जो हमारे ऊपर कर्ज है, तो उसके भुगतान में जाएगा। दूसरा एक बड़ा हिस्सा, उतना ही 25-26 हजार करोड़ रुपया जो है, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के भुगतान में जाएगा।